मैं डॉक्टर आशुतोष सोलंकी, जबलपुर गढ़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। आप सभी को लिए एक छोटी सी जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अवश्य इसको अपने दैनिक दिनचर्या में फॉलो करें। और अपन जैसा जानते हैं कि आज का समय बहुत ही खतरनाक चल रहा है, इसके बारे में सभी को पता है। और क्योंकि सबको इस सब खतरनाक समय में खतरनाक वायरस से सुरक्षित रहना है, इसलिए एक डॉक्टर होने के नाते आपसे छोटा सा सलाह है, छोटी सी रिक्वेस्ट और निवेदन जो आप सभी को फॉलो करना है। आइए थोड़ा सा चलते हैं, इस वायरस को समझते हैं और इसकी छोटी सी जानकारी आपको मैं प्रदान करता हूँ। आइए, स्वागत है आपका। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19, सबसे पहले कोविड-19 अर्थात जिसको हम जिसका अपन कहें फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज, 19 मींस 2019, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। और ये नामकरण हमारे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रखा गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये वायरस किसको ज्यादा होता है? तो ये वायरस, चूंकि स्वाभाविक है, कोई भी वायरस तभी अटैक करता है जबकि किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी, जिसे हम प्रतिरोधकता क्षमता कहते हैं, जब कम हो जाती है तो वो अटैक कर देता है। जैसे कोई दुश्मन है, किसी के तभी कॉपी हो सकता है, उसको तभी अटैक कर सकता है जब उसकी अपेक्षा वो कम होगा। वैसे ही वायरस भी जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उसी पे अटैक करता है, और अटैक करके उसको अपने उसको ग्रसित कर देता है, जैसे संक्रमित करते हैं। अधिकांश ये जो है बहुत न्यूबॉर्न बेबी, छोटे बच्चों, अधिक एज के, जिसे अपन बुढ़ापे की अवस्था कहते हैं उनको, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, या फिर जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, मल्टी ऑर्गन डिजीज, मल्टी ऑर्गन फेल्योर, या कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज जैसे हाई बीपी, किडनी डिजीज, शुगर, मल्टीपल्स डिजीज भी हैं, उनको भी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि इस पे लक्षण क्या दिखते हैं। लक्षण अभी की स्थिति में ये है, लक्षण कुछ को आते हैं कुछ को नहीं भी आते हैं, प्रॉपर साइंटिस्ट सर्च कर रही है। कुछ लोगों में बहुत सिम्टम मिलते हैं, कुछ लोगों में अननोइंग रहते हैं, और फिर भी टेस्ट किया जाए तो पॉजिटिव मिलता है। फिर भी कुछ सिम्टम जो होते हैं, कॉमन सिम्टम, दैट इज वायरस सबसे पहले अटैक करके हमारे थ्रोट में जाता है, जिसे ब्रोंकियल कहते हैं, उस ब्रोंकियल पे अटैक करता है। 4 डेज वहां पे रह के उस वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन पे वर्क करता है, और उसको अपने अंडर में लेता है, और वहां से म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करते हुए म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है। जब म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा होता है, जिससे हमको गले में फंसा फंसा लगता है, जिसे हम कहते हैं खांसी आना, और जब वो कुछ समय बाद गले से अपनी एक थोड़ी सी मल्टीप्लाई होके अपना आकार बड़ा करता है, फिर देन वो टूवर्ड द लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर अटैक करता है, जिसे ब्रोंकियल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लंग्स। तो लंग्स में जैसे जाता है तो कुछ समय बाद ये निमोनिया पैदा करता है, जिससे लंग्स की जो कैपेसिटी है पंपिंग की, मतलब ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये कम हो जाता है। और इस वजह से डिस्निया, जिसे सांस लेने में दिक्कत कहते हैं, वो प्रॉब्लम होती है, घुटन होता है, सीने में दर्द होता है, फीवर होता है। इसके सबसे कॉमन लक्षण है खांसी आना, सूखी बॉडी, छींक आना, निमोनिया होना, सांस में डिफिकल्टी होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। साथ में बुखार होता है, कभी कभी जब ये एडवांस स्टेज में जाता है तो लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन को भी अपने अंडर में ले लेता है, उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। लेकिन कभी कभी ये लक्षण भी नहीं रहते, अननोन रहते हैं। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति जो पॉजिटिव है, जो कोरोना से पॉजिटिव है, वो टच में है, जिसे अपन कहें कांटेक्ट में आया है, तो वो भी उसको टेस्ट कराना चाहिए। जो यदि सस्पेक्ट है कि भाई उस हो सकता है कि वहां से हम निकले या उसके नजदीक में रहे, और तो भी उसको टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिम्टम्स नहीं आते।
नेक्स्ट चलते हैं कि हमको सावधानी क्या रखनी। सावधानी में जैसे कि आप जानते हैं पूरा अपना मीडिया हर चीज इतना एडवांस बताती है कि सावधानी सबसे पहले जैसे मैंने मास्क लगाया हूँ तो सबसे पहले आपको मास्क लगाना है, दूसरा जैसे मैंने ग्लव्स पहना हो तो ग्लव्स पहनने हैं, यदि आप कुछ आवश्यक की को टच कर रहे हैं तब मास्क की जरूरत है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए तो पेशेंट को टच करना पड़ता है। इसलिए ये कैप लगा है ये भी सेफ्टी के लिए है तो इसको भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज है मास्क यदि नहीं है तो आप अपने स्नीजिंग या छींक आती है तो शोल्डर्स पे ले लें, इधर या इधर पे ले लें, जिससे कि वो आपको जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो एटमोस्फेयर में नहीं जाएगा और किसी और को नहीं होगा। तो सावधानी जैसे कि हाथ प्रॉपर धोना, हर बार बार फ्रिक्वेंटली हाथ धोना, स्नीजिंग आए तो उसको हैंकी रुमाल में या साइड में ऐसे करना, या मास्क रेगुलर लगाना, यदि थोड़ा सा डाउट होता है तो आइसोलेशन कर लेना, ये सब चीजें सावधानियां बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मान लो थोड़ा सा हम और एडवांस में और सावधानी चाहें तो हम दिनचर्या अच्छी रखें, जैसे हम कहते हैं डेली रूटीन, क्योंकि क्या है अभी का समय हम घर पे हैं तो हमारी डेली दिनचर्या वैसे भी बिगड़ी हुई है, तो इसको हम प्रॉपर रूप से एक्सरसाइज, प्रॉपर समय पे उठना, प्रॉपर समय पे अपने शेड्यूल को बिजी रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, समय पे हर चीज कुछ ऐसा कर ले, क्योंकि हम हिंदू धर्म के हैं तो प्रॉपर कुछ ना कुछ जैसे रामायण है वो निकाल लें, कुछ जो भी है आपको जो ग्रंथ में अच्छा लगता है वो चीज को प्रॉपर अध्ययन करें, या आप कुछ भी पढ़ने की इच्छुक है ना वो रेगुलर पढ़ते जाएं, टाइम टू टाइम पढ़ते जाएं। सेकंड चीज आती है कि आपको रेगुलर ध्यान करना है, ध्यान भी मैं बताऊंगा सहयोग ध्यान है जिसमें निःशुल्क होता है, सहयोग की जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क करेंगे। सहयोग ध्यान और भी ध्यान है लेकिन सहयोग ध्यान बहुत ही अच्छा है जिसमें निःशुल्क है और बहुत ही विदाउट ये सब डिस्टर्बेंस के बहुत इजी वे पे आप गहराई में जाते हैं और आपको बहुत अच्छी फील होती है, क्योंकि मैं भी करता हूँ तो मैंने यही महसूस किया। ध्यान रेगुलर करना चाहिए जिससे स्ट्रेस लेस होते हैं, टेंशन नहीं रहती, और साथ में योगा भी करना चाहिए। योगा में जैसे सबसे पहले मैं एडवाइस करूंगा कि प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, जिससे लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहेगी, ऑक्सीजन अच्छा रहेगा, बॉडी हेल्दी रहेगी। प्रॉपर व्यायाम करना टाइम टू टाइम, सुबह और शाम व्यायाम करना। इसके बाद नेक्स्ट जो है इम्यूनिटी को बढ़ाना, जैसे अपन ने पहले भी बताया था कि उसी को होता है जिसको इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को पॉजिटिव भी हो जाता है वायरस और इम्यूनिटी अच्छी है तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस वायरस से ऐसा नहीं है कि बहुत डेंजरस है, 3% to 5% मोस्टली इसकी मोर्टिलिटी डेथ रेट है तो वो कोई बहुत नहीं होती। तो हमको इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना है। इम्यूनिटी कैसे रखें, जैसे मैंने ये दिनचर्या बताई, ये सब चीज बताया, इसके द्वारा रहें, साथ में प्रॉपर हम अपने वेजिटेरियंस डाइट को लें और अपने दैनिक दिनचर्या को फिट रखें और टेंशन फ्री रहें, ये सब चीज करें। अब इसके साथ में आपको एक काम और करना है कि आप एजुकेटेड हैं या नॉन एजुकेटेड, यदि आप समझते हैं कि कोरोना वायरस क्या होता है, COVID-19 क्या होता है, इस वायरस के से क्या प्रॉब्लम होती है आगे और क्या क्या हो सकता है, यदि आप जानते हैं तो आप अपने सबसे पहले घर में समझाएं, फिर घर से कॉलोनी में लोगों को जो नहीं समझते उनको समझाएं, फिर कॉलोनी से आप आगे बढ़ें तो अपने जो शहर हैं, अपन जैसे कहें कि कॉलोनी बाहर जाए तो अपने एक एरिया आता है जोन जिसे कहते हैं, वहां पे समझाएं, फिर बड़े स्तर पे समझाएं, ऐसे मतलब आपको समझाते जाना है। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको कम से कम समझाना है, क्योंकि जिनको नहीं पता वो नहीं जानते, वो समझते कि सिंपल ऐसी कोई चीजें हैं क्योंकि कभी देखी नहीं, जो अननोन लोग होते हैं, तो इसलिए इनको अवेयरनेस एक शब्द होता है कि अवेयरनेस करना है, मतलब प्रॉपर रूप से लोगों को एजुकेट करना है, प्रॉपर समझाना है इससे ये हो सकता है, तो आप ये सावधानियां प्रॉपर रूप से करें जिससे हम सब बच सकते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग ये फॉलो कर रहे हैं जिससे हमारा इंडिया बहुत अच्छा रिकवरी की ओर टूवर्ड रिकवरी है, जिससे हम लोगों को बड़ा अच्छी बात है, हर्ष की बात है, क्योंकि मेडिसिन नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी सब जानते हैं, मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, बट फॉर द फ्यूचर आने का है, लेकिन अभी हमको ये सावधानी रखनी है। ये डिस्टेंसिंग की जो बात है वो डिस्टेंसिंग भी हमको रेगुलर फॉलो करना है, हर जगह पे, घर बाहर जैसा हर जगह आपको करनी है। चलिए दोस्तों, मैं लास्ट में आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, ये सब चीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के लिए कुछ मैं सजेस्ट करूंगा कि होम्योपैथिक दवाइयां, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो आपको कुछ होम्योपैथिक एक काढ़ा नाम का या फिर एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसके रेगुलर उपयोग से आपकी इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी।
हूँ।